देखो क्वेश्चन है, इफ एन इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 टू द पावर 1 बाय 4 प्लस 5 टू द पावर 1 बाय 8 टू द पावर 60 देन n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, ठीक है, पावर वाले के डिनोमिनेटर वाले को, तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम इसका लेंगे, क्या इतना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा रेशनल टर्म बनेंगे, रेशनल जो बनेगा वो कौन कौन सा होगा, 0, 8, 16, ऐसे ही कर 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 मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 56 तक, ठीक है। तो 8 7 56, टोटल 8 टर्म्स आएगा, ठीक है, 8 टर्म्स आएगा, 8 से 56 तक 7 और 1 0, 8 टर्म्स टोटल आएगा, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर 60 है, तो टोटल कितने टर्म फॉर्म करेगा, 60 प्लस 1 टर्म्स, मतलब 61 टर्म्स टोटल है, टोटल टर्म से 61 है, और रेशनल कितने हैं 8 टर्म, तो इरेशनल कितने हो जाएंगे, 61 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 53 टर्म्स, 53 टर्म्स कितने होंगे, इरेशनल होंगे, ठीक है, 53 टर्म्स इरेशनल होंगे। अब पूछ रहा है एन माइनस वन इज डिविजिबल बाई, ठीक है, एन नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स था, यही एन है, ठीक, तो एन माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा 53 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 52, किससे डिविजिबल है, देख लो ऑप्शन में 26 डिविजिबल भाई, 26 दूनी 52, 30 नहीं, ठीक है, 8 नहीं, 7 नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये आसानी से आ गया 52, ठीक है।